हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो। पर भी आज मैं आपको सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी अहम हिस्सा है और आपको इनको करना ही करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं या कुछ बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। सो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नया हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो अपने दोस्तों या फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो मैं आज बताने वाला हूँ। देखो, मैं बताने वाला हूँ आज आपको सर्वाइव होने के लिए एक पर डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंसी एक पर नहीं होनी है, आपको दो तीन या सोर्स बनाने पड़ेंगे अपनी इनकम को या अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। अगर जॉब प्रोफेशनल है तो आप अपनी एक स्किल और बढ़ाइए ताकि आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सा, अगर कोई एक बंदा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है, उसने होटल्स की जॉब रखी है, अगर उसके पास एक स्किल और है, मानी कोई लैंग्वेज कोर्स है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उसको एक फ़ायदा ये है कि कभी होटल का लॉकडाउन ख़त्म हुआ या लॉकडाउन प्रॉब्लम आ रहा है या जॉब नहीं है, तो वो उस फ्रेंच लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज से अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो टूर गाइड हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, कुछ भी हो। सो अपनी एक स्किल को ज़रूर बढ़ाइए। मेरा हमेशा कहने का मतलब यही है कि आप एक पर डिपेंड नहीं मत रहिए। कहने का मतलब यह सीधा सा, देखो यार, एग्जांपल आप जॉब है, कोई एक ही तरह की स्किल सीख रखा है, अब वो स्किल की जॉब मार्केट में उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, आपकी कंपनी क्लोज हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? सेकेंड ऑप्शन क्या है? बिजनेस आप कर नहीं सकते, इतना कैपिटल नहीं है। स्टार्टअप आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने कोई भी रिसर्च मार्केटिंग ही नहीं करी है। तो अगर आपके पास दूसरी स्किल है, उस स्किल को आप अच्छा खासा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा है, अगर आप कोई जॉब करें, आप एक LIC एजेंट बन सकते हैं। अगर आपकी जॉब कभी खतरे में पड़ जाती है तो LIC एजेंट भी LIC का बिजनेस आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की, मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई इंजीनियर है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के कोर्स कर सकता है ताकि अगर वहाँ जॉब नहीं मिली तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास स्किल है। सो एक स्किल आप अपनी एक्स्ट्रा जरूर करके रखिए, ठीक है। अभी देखो, कहने का मतलब, मैं अपने ऊपर ही बात करता हूँ, अगर कल को भगवान ना करे मेरी जॉब ना रहे, सिंगापुर में मेरी जॉब ना रहे, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने भी कुछ अपने प्लान ऐसे सोच के, अगर जॉब नहीं रही, मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँगा अपने इंडिया में, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर काम करूँगा ताकि अच्छा खासा पैसा मैं वहाँ से कमा सकूँ। सो कुछ ऐसे बिजनेस हैं, सो कुछ आप अपने को एक कदम अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था, आप एक पर नहीं। अभी कहने का मतलब ये है, अगर ये एक कहने का मतलब है, अगर एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से अभी उस यूनिवर्सिटी में उपाय जगह नहीं है, टीचिंग की लाइन नहीं, जगह नहीं मिल रही प्रोफेसर, तो क्या कर सकता है प्रोफेसर? अरे, ट्यूशन सेंटर खोल सकता है और किसी अदर इंस्टीट्यूट में काम कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कि जॉब ही ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर, तो प्रोफेसर्स के पास भी एक अदर एबिलिटीज है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकता है, अपना ट्यूटोरियल्स दे सकता है। सो हर किसी के लिए, ये ऐसा नहीं है कि लो मैनेजमेंट पीपल के लिए, अनस्किल पीपल, चाहे वो अनस्किल हो, चाहे वो सेमी स्किल हो, चाहे वो स्किल हो या प्रोफेशनल हो, सभी को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक स्टेप आगे बढ़ना है। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। अब आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बंदा होटल में काम कर रहा है, एक छोटा सा बात है, अगर होटल में काम कर रहा है, उसको दूसरा काम लाइक लैंग्वेज कोर्स आना चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा है कि अगर आप होटल में आपका किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाता है, आप उस लैंग्वेज कोर्स से आपके टूर गाइड, अगर टूर एंड ट्रेवल कंपनी जोड़ सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है, आप टीचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने और आने वाली है अगर आपने एक स्किल अपने को ऐड करा। उससे पैसे भी, इनकम भी बनेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी बहुत विदाउट स्ट्रेस होगी। थैंक यू। तभी आपने देखा है कि कभी जो फिल्म एक्टर वगैरह होते हैं वो एक्टिंग पर ही डिपेंड नहीं करते, वो कोरियोग्राफी भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, उनका अपना एक सिटी होती है, फिल्म सिटी बनाते हैं वो, ताकि उनके भी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट, वो एक एक्टिंग पर ही डिपेंड नहीं है।
क्योंकि एक एज के बाद आपकी वो जॉब ख़त्म हो जाती है, उस स्टेज पे आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अभी आप होटल्स में भी काम करो तो एक लेवल पर, आप एक लेवल पे जाओगे उसके ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो आपको ऐसा ही कुछ एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा खासा स्पेंड कर सकें विदाउट फील फ्री स्ट्रेस। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।